सभी को नमस्ते। प्रकृति व्यवस्था अस्तित्व सह अस्तित्व में इस पूरी परंपरा को, जिसके फलस्वरूप हम सभी यहाँ जुड़े हैं और एक मौका मिला मुझे स्वयं को जानने समझने का, उसके प्रति कृतज्ञता, इस पूरे टीम के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए अपनी यात्रा को संक्षिप्त में रखने का मैं प्रयास करता हूँ। यहाँ पे अपना परिचय की अगर बात करूँ तो समूना इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रयागराज में कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ। अभ्यास एक और अभ्यास दो की अगर बात करें तो पहले तो इस कंटेंट से जितनी भी जुड़ा हो पाया वो 2018 में यात्रा शुरुआत हुई और कॉलेज की तरफ से उस समय एटीटीयू की तरफ से हमें भेजा जाता था वर्कशॉप, फेस टू फेस 8 डेज वर्कशॉप करने, परिचय सिविल लेवल 1 PSL 1 नाम से। तो वहाँ कई बातों पे ध्यान गया और आगे भी मन बना अटेंड करने का, और आज तब से आज अगर यात्रा देखता हूँ तो कई बातें ऐसी थीं जो पहली बार में ध्यान में गई, लेकिन अब ये देख पाता हूँ कि वो उन बातों पे ध्यान गया जो मेरे अंदर मान्यताओं में शायद बहुत कम थी, लेकिन जो बातें मान्यताओं में बहुत गहरी बैठी हुई थी उन बातों पे ध्यान तो गया था लेकिन उस कार्य नहीं शुरू हो पाया था उस पे। तो वो उसका उपकार इस मॉर्निंग सेशन में देख पाता हूँ कि कंटेंट को देखना, सुनना, इन्फॉर्मेशन फॉर्म में लेना और उस पे सहमति बनना, इतना कार्य तो हो पा रहा था, लेकिन एक जो सेल्फ एक्सप्लोरेशन का प्रोसेस है, जो उसके स्टेप्स हैं, वो यहाँ पे मॉर्निंग सत्र के द्वारा ही बन पाया, इसका बहुत उपकार रहा। तो ज्यादा समय न लेते हुए मॉर्निंग सत्र की अगर बात करें स्टेप 1 की, सबसे इम्पोर्टेंट तो पहला स्टेप ही लगता है मुझे, और इसी पे अभी बहुत कार्य करने की आवश्यकता है, स्वयं के द्वारा स्वयं को देखना। आज भी लगता है कि जितना जितना ध्यान देता हूँ बार बार इसी स्टेप पे वापस आने की आवश्यकता पड़ती है। क्या मैं एक शुद्ध दृष्टा के रूप में स्वयं को देख पा रहा हूँ कि नहीं, कितनी ऑनेस्टली ईमानदारी से मैं स्वयं को देख पा रहा हूँ कि नहीं, अपने भाव के प्रति कितना सजग हूँ, इच्छा विचार आशा को देखते हुए कि क्या प्रतिक्रिया चल रही है या अन्यथा भाव है। और उससे आगे जब बढ़ते हैं स्टेप 2 में, तो इस क्षण जो भी भाव मुझ में है वो मुझे सहज स्वीकार है या नहीं, उस समय आराम में हूँ या नहीं। तो ध्यान जाता है कि पहले बहुत टेक ऑफ हुआ करता था, या अपनी स्वीकारता को ही साथ कहीं सहज स्वीकारता मान लिया था, लेकिन धीरे धीरे जब और इस पे कार्य किया, ध्यान दिया, तो ये तो ध्यान जा रहा है कि अगर मेरे अंदर जो भी भाव विचार चल रहा है वो संबंध के अर्थ में है, व्यवस्था के अर्थ में है, तो मैं आराम में हूँ, सुखी हूँ। लेकिन अगर कहीं भी विरोध का भाव है, अव्यवस्था का भाव है, तो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहा है, और कम से कम ध्यान तो जा रहा है। पहले तो शायद बेहोशी में रहते थे, डिस्टर्ब भी होते थे लेकिन ध्यान नहीं जाता था। और आगे जब चौथे स्टेप पे बात हुई, उस पर ध्यान गया, तो ये भी देख पाए कि क्षण जो भी भाव विचार मुझ में चल रहा है इसका निर्णय तो मैं स्वयं ले रहा हूँ, कोई भी बाहरी व्यक्ति या दूसरा व्यक्ति या परिस्थिति कैसे निर्णय ले सकता है। लेकिन फिर भी स्लिप होता था, तो 5वें स्टेप पे इस बात को क्लियर किया गया बहुत, इस क्षण जो भी भाव विचार उनमें चल रहा है उसका आधार क्या है। तो आधार में देख पा रहा था काफी हद तक मान्यताओं पर आधारित होता था, क्योंकि सही समझ का रिफरेंस ठीक ठीक नहीं था, समझ को ही कहीं ना कहीं सही समझ मान लिया था। तो जितना जितना स्वयं पे कार्य कर पाए, जितना जितना सही को सही के अर्थ में समझ पाए, उतना उतना निर्णय का आधार और स्ट्रांग होता गया, उतना उतना और आराम में आते गए। और ये भी देख पाए कि अगर कोई अन्यथा भाव संबंध या व्यवस्था के अन्यथा भाव चल भी रहा है तो वह मुझे सहज स्वीकार तो नहीं है। शायद पहले समय
अधिक समय तक चलता था, विरोध का भाव अब अन्यथा भाव बहुत कम हुआ। तो सातवें स्टेप पे अभी इस पे बहुत कार्य करने की आवश्यकता है, वापस लौट लौट के स्टेप वन पे आने की आवश्यकता है कि जब इस बात को सुनिश्चित कर पाए कि हर क्षण मैं अपना भाव संबंध व्यवस्था और सदस्य के अर्थ में है ये देख पाऊं ना कि अन्यथा। इसी आधार पे मैं इस क्षण आराम में रह सकता हूँ, सुखी रह सकता हूँ, हर क्षण आराम में रह सकता हूँ, सुखी रह सकता हूँ। और इसके लिए आवश्यक है कि संबंध को, व्यवस्था को, अस्तित्व को संपूर्णता में समझूं, उसके अनुरूप अपने भाव विचार का निर्णय करूं और निरंतर आराम में रह पाऊं, संगीत में रह पाऊं। तो एक यात्रा है, जितना जितना आगे बढ़ रहा हूं, जितना जितना आप लोगों का सहयोग मिल पा रहा है, उतना उतना स्वयं में समझ से सह स्वीकारता की ओर, सही समझ की ओर जर्नी पॉसिबल हो पा रही है। और इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरी परंपरा और इस पूरी परंपरा के जितनी भी बातें बताई गई हैं, जो कि बचपन से हम लोग अपने बुजुर्गों से बुक्स में सुनते भी आ रहे थे, उन सभी चीजों को यहाँ पे क्रिस्प फॉर्म में, फॉर्मुलेटर फॉर्म में और स्टेप बाय स्टेप जो अपने कार्य किया, उसके लिए इस पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट, अगर स्टेप टू की बात करें, एक्सरसाइज टू की बात करें, मैं के द्वारा शरीर को देखना, मैं हूं, शरीर है, और ये दोनों ही डिफरेंट है, अलग अलग है, एक साथ नहीं है, दूरी है, लेकिन एक ही स्थान पर है। सबसे पहले ये ध्यान भानु भैया ने दिलाया, एक बार मौका लगा उनके साथ परिचय शिविर टू करने का, जिसको यूएचबी थ्री हम लोग कहते हैं, और ध्यान गया था, बस इंफॉर्मेशन फॉर्म में आया लेकिन एक्सप्लोरेशन में उतना नहीं हो पाया, हो पा रहा था। लेकिन इस मॉर्निंग मीटिंग का उपकार है, यहाँ पे रेगुलर हम लोग इन चीजों से जुड़े हुए हैं, प्रश्नों अपने प्रश्न उत्तर हम लोग रख सकते हैं यहाँ पे। और साथ ही सबसे बड़ा उपकार मैं अपने पूरी टीम को देना चाहूंगा कि उनके प्रश्नों से भी स्वयं में जांचने परखने के बहुत से अवसर मिले। तो स्टेप टू को अगर देखें, एक्सरसाइज टू के स्टेप वन, स्टेप टू, मैं हूँ, शरीर है, दोनों ही अलग अलग वास्तविकताएं हैं, एक्सप्लोरेशन में ही और अच्छे से अब आ पा रहा है। स्टेप टू में इस बात को देखने जाते हैं, मैं और शरीर के बीच सिर्फ सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है, कोई भी भौतिक रासायनिक आदान प्रदान वहां पे नहीं है। साथ ही इस बात पे भी ध्यान गया स्टेप थ्री में कि शरीर को क्या संकेत देना है और किस संवेदना को पढ़ना है, इसका निर्णय भी मैं ले रहा हूं, ना शरीर ले रहा है, ना कोई भारी परिस्थिति, ना कोई अन्य व्यक्ति। और ये भी ध्यान जाता है कि मैं संवेदना से दूर होते हुए भी संवेदना को पढ़ पाता हूं। यहाँ पे एग्जाम्पल बार बार दिया जाता है कि मैं एक नदी है, भाव विचार की नदी बह रही है, तो मैं उस नदी में हूं, नदी के बाहर हूं, या मैं स्वयं नदी हूं। तभी तो इस पे काम चल रहा है, ये नहीं कहूंगा कि क्लियर हो गई बातें, लेकिन हाँ, कम से कम ध्यान जाता है, ध्यान बना रहता है। और फिर वही बात रिपीट करूंगा कि जो पहले स्लिप हो जाता था, टेक ऑफ हो जाता था, या स्वयं में डिस्टर्ब हो जाते थे, दूसरे को या बाहर परिस्थिति को अपनी डिसहार्मनी का कारण मान लेते थे, वो अब टाइम पीरियड कम हो गया है। तो संवेदना से दूर होते हुए भी संवेदना को पढ़ पाना, उस दूरी को देख पाना, और ये देख पाना कि बाह्य स्थिति परिस्थिति का प्रभाव सिर्फ शरीर तक पहुंचता है और उसे भी मैं निर्णय पूर्वक पढ़ता हूं, अर्थ भी देता हूं, प्रभावित होता हूं, नहीं होता हूं, कभी प्रतिक्रिया करता हूं, कभी जिम्मेदारी पूर्वक प्रस्तुत होता हूं, ये सारी चीजों का निर्णय मैं ही ले रहा हूं। तो मैं के द्वारा जब शरीर को देखता हूं तो इन सभी चीजों पर
पूरा ध्यान जाता है। और इसी से ये भी क्लियर हो पाता है कि जो भी बाह्य स्थिति परिस्थिति है, इसका प्रभाव तो सिर्फ मेरे शरीर पर है, मुझ पर नहीं। तो मेरा निर्वाह किस तरह होगा, ये मेरे कंटेंट ऑफ इमेजिनेशन पे, इच्छा विचार आशा पे, कल्पनाशीलता पे निर्भर करता है। मैं संवेदना पूर्वक निर्णय को पढ़ रहा हूं या अपनी मान्यता से जोड़ के पढ़ रहा हूं, उसको अर्थ दे रहा हूं, उससे प्रभावित हो रहा हूं, अपने भाव विचार को बिगाड़ रहा हूं, तो सुखी दुखी होता हूं। लेकिन जब भी जिम्मेदारी पूर्वक उन संवेदनाओं को पढ़ता हूं, तो मैं स्वयं को स्वतंत्र पाता हूं, अपने निश्चित भाव में बने रह पाता हूं और स्वयं में आराम को देख पाता हूं उस संवेदना से अप्रभावित हुए बिना। क्योंकि दूसरे का कार्य, व्यवहार, ध्वनि, शब्द, अर्थ, ये सब बाहरी है, इन सभी को अर्थ तो मैं दे रहा हूं, चाहे वो कोई भौतिक रासायनिक घटना हो, कोई ध्वनि हो, शरीर पे कोई भी प्रभाव आ रही है, सूचना आ रहा है, उस घटना का मेरा आकलन क्या है, मेरे अपने शरीर की स्थिति परिस्थिति का आकलन क्या है, उसको जितना जितना जिम्मेदारी पूर्वक, स्वतंत्रता पूर्वक कर पाता हूँ, उतना उतना निर्वाह कर पाता हूँ, पूरकता के अर्थ में जिम्मेदारी पूर्वक प्रस्तुत हो पाता हूँ बिना प्रभावित हुए, और अपनी पूरकता को भी देख पाता हूँ। और उससे बड़ी बात, मेरे इस पूरी यात्रा में, जीवन यात्रा, शरीर यात्रा, ज्ञान यात्रा में से सभी साथियों का, परिवार का, प्रकृति या अस्तित्व का जो भागीदारी है, उसको देख पाता हूँ, उसके प्रति कृतज्ञता फील कर पाता हूँ, और साथ ही ये भी जिम्मेदारी फील कर पाता हूँ कि स्वयं में समझ कितनी आवश्यकता है अपनी पूरकता को सुनिश्चित करना। स्टेप 7 की बात करें अगर अभ्यास 2 के, तो मेरा होना शून्य के सह अस्तित्व में बना हुआ है, मैं निरंतर क्रियाशील हूँ। शरीर का होना भी शून्य के सह अस्तित्व में है, मैं आवश्यकता अनुसार ही शरीर से सूचनाओं का आदान प्रदान करता हूँ शून्य में रहते हुए। एक शब्द जो पहली बार सुना था, मैं शून्य में डूबा हुआ हूँ, भीगा हुआ हूँ, घिरा हुआ हूँ, सच कहूँ तो आज भी उसे एक्सप्लोर करने का, जानने का, समझने का प्रयास चल रहा है, और इतना जरूर है जो बार बार सर भी कहते हैं और हिमांशु भैया से मैंने सीखा, कि ठीक है जितना भी कर पाए उसका उत्सव, और आगे और करना है, अच्छा करना है, सही को समझना है, सही के अर्थ में जीना है, उसका उत्साह। तो स्टेप 7 पे अभी कार चल रहा है, रादर अगर ठीक बोलूं तो स्टेप 6 और स्टेप 7 अभ्यास 2 के, इन दोनों पे ही अभी बहुत कार्य करने की आवश्यकता है, और ये तभी संभव है जब बार बार वापस हम स्टेप 1 पे जाएं, अभ्यास 1 के भी और अभ्यास 2 के ही, तभी ये और क्लियरिटी से देख पाते हैं। आगे अगर बात करें कि सुख स्वभाव है या प्रभाव है, तो इन्फॉर्मेशन फॉर्म में भी इस बात को समझने में काफी समय लगा था, कि मुझे याद है जब तीसरा शिविर करने गया था तो वहां पे भी प्री वर्कशॉप सर्वे में ये पूछा गया था कि आप स्वयं से सुखी दुखी होते हैं या बाहरी स्थिति परिस्थिति या बाहरी व्यक्ति के प्रभाव से भी, तो वहां पे भी कभी कभी रिस्पॉन्स गया था, लेकिन अब कम से कम ये परसेंटेज कम होता जा रहा है प्रभाव वाला। कितना कर पाए इसको शायद नंबर्स में बताना उतना ठीक नहीं होगा, लेकिन हाँ ये तो देख पाते हैं कि प्रभाव वाला हिस्सा कम हो रहा है, स्वभाव की तरफ ध्यान ज्यादा जा रहा है, और जितना जितना ध्यान जा रहा है उतना उतना आराम भी बने हुए हैं। और ये आवश्यक भी देख पाते हैं, पहले कुछ भी प्रभाव में आके बाकी चीजें बिगाड़ देते थे, संबंधों का निर्वाह
करने में दिक्कत हो जाती थी, लेकिन अब किसी भी एक चीज का प्रभाव अगर आया तो वो प्रभाव थोड़ी देर के लिए रहता है और उसका असर दूसरी चीजों पर नहीं पड़ता, बाकी कार्यों में नेचुरल रह पाते हैं। और जितना जितना सुख को स्वभाव के रूप में देख पाते हैं उतना उतना ही स्वयं में से सुनिश्चित करने का कार्यक्रम भी बना पाते हैं। तो ये भी देख पाते हैं कि अब कम से कम जो भी कार्यक्रम है उसमें स्वयं के लिए शरीर के लिए अनुकूल भाव संवेदना जुटाने के अर्थ में कमी आई है और चैतन्य के मय के अर्थ में कार्य करना है, शरीर के पोषण संरचना के लिए जितना आवश्यक है उसके लिए कार्य करना है, उस अर्थ में सभी जो भी भागीदारी मेरे साथ कर रहे हैं, मेरी पूर्वकता मुझे सहयोग कर रहे हैं, उनके प्रति कृतज्ञता और अपनी भागीदारी को समझते हुए अपने स्किल को कॉम्पिटेंस को बढ़ाने के साथ साथ अपनी पूर्वकता को सुनिश्चित करना है। कितना समय लगाना है तो ये एक बड़ा ही टफ क्वेश्चन है, क्योंकि समय को नंबर्स में बता पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल रहा हमेशा, लेकिन फिर भी पूरा प्रयास रहता है कि कम से कम अन्यथा कार्यों में जो हम पहले समय शायद वेस्ट कर रहे थे उन चीजों से अब दूर होना है और दूर हुए भी हैं काफी। थोड़ा सा बीच में दिक्कत भी हुई थी तो फिर अपने मेंटर से डिस्कस भी किया था हमने कि परिवार में या दोस्तों में लोग कहने लगे थे कि अब वैसे नहीं रहे तुम, चेंज हो गए हो। तो ये भी ध्यान गया कि इस कंटेंट से मैं जुड़ा हूं, मेरे साथियों ने इस कंटेंट को नहीं सुना नहीं देखा और उन्होंने मेरा जीना देखा है। मेरे द्वारा की गई गलतियां देखी हैं और भी कई चीजें, तो जो एक बात बार बार कही जाती है कि परिवार आपके मित्र आपकी सबसे बड़ी लेबोरेटरी है आपकी इस यात्रा को जांचने के परखने के, तो उस चीज को तो बहुत स्ट्रांगली फील कर पाते हैं, देख पाते हैं कि हाँ ये बात तो है। तो फिर उमेश भैया से काफी चर्चा हुई थी इस बारे में, तो उन्होंने ध्यान दिलाया कि परिवार में मित्रों में तो हमें उसी तरह प्रस्तुत होना है जैसे उनके साथ हम रहते आए हैं, सिर्फ अपनी जिम्मेदारी को और देखना है, अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करना है, इस चीज से भी कहीं हम अपोजिशन में तो नहीं जा रहे ये देखना है। तो ये ध्यान गया कि हाँ कभी कभी अपोजिशन में चले जा रहे थे कि कहाँ अभी भी लोग फंसे हुए हैं भी उसी में जी रहे हैं, लेकिन फिर ध्यान गया कि मैं भी उसी में जी ही रहा था, अभी इस कंटेंट से जुड़ा हुआ ध्यान गया तो भी उसी से बाहर आने का प्रयास कर रहा हूँ, तो अपनी पूर्वकता को देख पाऊं समझ पाऊं बिना किसी शर्त के बिना किसी डिस्टरबेंस के कार्य व्यवहार कर पाऊं परिवार में और साथियों के साथ, और जितना जितना सहयोग हो सके उन सभी को इस कंटेंट के साथ जोड़ने में हेल्प कर पाऊं, इसी आशा के साथ अपने शरीर का भी ध्यान रख पाऊं, क्योंकि शरीर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट उपयोगी साधन है मैं किस यात्रा में भी, तो एक किसी स्वार्थवश अगर कहें उनसे भी आके शब्दों में तो सेल्फ की समझ और यात्रा को आगे ले जाने और अपने परिवार और साथियों को भी और इसमें जोड़ पाऊं और परिवार और साथी के पूरे विश्व परिवार को इस कंटेंट से जोड़ पाऊं, इसी स्वार्थ के साथ इस पूरे यात्रा में इस पूरे वॉलंटियरशिप में जितना भी अपना योगदान मैं दे पाऊं देने का प्रयास करता हूं। और यहाँ पे एक और चीज, शायद कुछ प्रश्न भी बने हो साथियों के, इसको मैं यहाँ फिर से बताना चाहूंगा एक बार कि सबसे बड़ी उपकार है इस पूरी टीम का कि जब भी मुझे आवश्यकता हुई
तो वहां पे लोग हमेशा रहे। तो कई बार ऐसा भी बाकी साथियों को लगा होगा कि शायद कोई कार्य मेरे द्वारा हुआ, लेकिन हमेशा वहां पे लोग रहे, टीम रही, साथी रहे। तो कई बार ऐसा लगा होगा कि शायद मैं कोई कार्य कर रहा हूँ, लेकिन वो पूरी टीम वहां पर है, और कोई ना कोई हमेशा, मैं नहीं भी हूँ तो भी कोई ना कोई हमेशा है, तभी पूरी व्यवस्था सब हो पा रहा है। तो उन सभी परंपरा के प्रति कृतज्ञता, इस कंटेंट के प्रति कृतज्ञता, और इस पूरी यूएसबी टीम के प्रति कृतज्ञता, एक एक्सटेंडेड फैमिली जिसका सुख कम से कम मैं देख पा रहा हूँ, एक वर्ल्ड फैमिली का जो बात हम लोग करते थे पहले, लेकिन उसका सही मीनिंग क्या है उसको यहाँ इस कंटेंट से जुड़ने के बाद देख पा रहा हूँ उसको, और उस वर्ल्ड फैमिली के सार्थक होते हुए भी यहाँ क्लियरली देख पा रहा हूँ। जी, तो इतनी बात मैं यहाँ रखना चाहूंगा। जी, सभी को नमस्ते। बहुत अच्छा लगा परीक्षित जी की शेयरिंग सुन के। इनफैक्ट बहुत लोगों ने ऑलरेडी शेयर किया है ये, कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी जो एफडीपी के थ्रू गया है उसको परीक्षित जी की आवाज से कोई भी अपरिचित होगा। तो हर एफडीपी में, जैसा कि बहुत लोगों ने मेंशन किया, परीक्षित भैया मतलब उनको सुनने को मिलता है, और इस चीज को सब नोटिस करते ही हैं। लेकिन जो उन्होंने बात रखी कि ना, रिएक्शन पहले भी नहीं होता था बाहर, लेकिन जो अंदर का रिएक्शन था वो होता था, और उसमें कमी आई है, तो उससे बहुत फर्क पड़ा है। ये बात मतलब बाहर चाहे एक्सप्रेशन हो ना हो, लेकिन अपने अंदर क्या भाव है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वही है हमारे लिए टू बिगिन विद। बिकॉज अगर हम ना बाहर तो हम कुछ ना भी एक्सप्रेस करें, लेकिन अंदर अगर हम दुखी हैं तो वो सबसे ज्यादा मायने रखता है हमारे लिए, क्योंकि चाहते तो हम सुखी होना है पूरा समय, कंटिन्यूअसली। तो ये जो एफर्ट हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइजेस के थ्रू, जैसा कि परीक्षित जी ने भी मेंशन किया कि इन्फॉर्मेशन हमको काफी पहले मिल गई, एफडीपी में भी सुन लिया, लेकिन जब तक हमने खुद अपने अंदर नहीं जांचना शुरू किया, तब तक उसका जो बात कही जा रही थी उसका सही मायने में क्या अर्थ है, वो हम नहीं समझ पाए जब तक खुद ने अंदर नहीं देखा। तो वो चीज, वही हमारा फोकस रहे, उसी तरफ हम बढ़ते रहें, ये बहुत जरूरी है सबके लिए, हम सब के लिए। और मुझे लगता है कि साथ साथ में जो भागीदारी है उससे तो जो हेल्प मिलती है वो तो है ही, तो भागीदारी करते हुए कैसे हम अपने अंदर भी काम कर सकते हैं, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल परीक्षित जी हैं, क्योंकि उनकी भागीदारी तो हम सब देख ही पा रहे हैं कि कितना समय वो लगा पाते हैं, नॉट ओनली एफडीपीज मीटिंग्स, लेकिन कभी कभी 2 और 3 मीटिंग्स में भी जुड़े रहना और इतना सब कर पाना। लेकिन जैसा उन्होंने मेंशन किया कि जो परहैप्स फालतू टाइम या जो हम टाइम और चीजों में बिता देते थे, बातें करने में, जो कि कुछ भी सार्थक उसमें नहीं होता था, वो सब अब कम हो गया, जैसा उन्होंने मेंशन किया। तो हम सब भी अपने जर्नी में देख सकते हैं कि हम कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना, या हम कहाँ कहाँ ऐसा समय बिता रहे हैं जो कि सार्थक चीजों में नहीं लगा हुआ। और अगर हम वो कट आउट करेंगे तो
तो हमें भी बहुत समय मिल जाएगा इस तरह भागीदारी करने का भी और अपने अंदर काम करने का भी, क्योंकि कुछ लोगों ने ये भी प्रश्न उठाया था कि आप कैसे मैनेज करते हैं ये सब। तो मुझे लगता है भागीदारी करना और अपने में काम करना, ये दो अलग चीजें नहीं है, ये साथ साथ में जुड़ के, क्योंकि अपने अंदर जो काम करना है वो तो हर क्षण कुछ भी करते हुए भी कर सकते हैं। तो वो हम सब परीक्षित जी से ये सीख तो ले ही सकते हैं कि भागीदारी करने में और खुद में जो अंदर काम करना है वो दोनों को साथ साथ लेके कैसे चल सकते हैं। तो परीक्षित जी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बढ़िया शेयरिंग। और